चाणक्य कहते हैं जहां संतोष है वहां नंदन वन है। इसलिए घर में नंदन वन बनाना है तो संतोष रखिए। छोटी छोटी बात के लिए कलह कलेश मत कीजिए, राग द्वेष मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या आपकी प्रसन्नता और सुख को नष्ट कर देती है। उन्नति करने वालों को धन्यवाद दीजिए, विकास करने वालों से सीखिए और खुद भी विकास कीजिए, दूसरों को सहयोग कीजिए। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैंने सुना है, एक कहानी आपको और सुनाऊंगा। मैंने सुना है कि एक चोर चोरी करता था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि बहुत बड़े चोर बनते हो, तो जो पुलिस चोरों को पकड़ती है, पुलिस अफसर के घर चोरी करो और वो न पकड़ पाए तो समझ लो तुम पक्के चोर। अब पत्नी ने चुनौती दे दिया तो उसने फिर हाथ डाल दिया, पुलिस अफसर के घर, इंस्पेक्टर के घर चोरी किया, 3 स्टार वाले गया और चोरी करके भागा। तो पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी ने देख लिया तो उसने कहा, देखो चोर सूटकेस लेकर भागता जा रहा है। तो इंस्पेक्टर और सिपाही सब उसको दौड़ाए, बहुत दौड़ाया, लेकिन पकड़ नहीं पाए। इंस्पेक्टर भी सोचने लगा कि हम लोग पुलिस लाइन में ट्रेनिंग लेते हैं दौड़ने की, सब ये कहाँ ट्रेनिंग लिया जो पकड़ में नहीं आता, भाग गया वो। लेकिन पुलिस पीछे लग गई। जब उसने सोचा, पीछे मुड़ कर देखा, 1 किलोमीटर के बाद पुलिस आ रही है। सोचा भागने से नहीं बचोगे। यस्य बुद्धि से तस्य विजयम्, जिसकी बुद्धि है उसकी विजय होती है। तो वहां पर एक आश्रम था, आश्रम की बाउंड्री को कूद कर वो अंदर बैठ गया, लेट गया चुपचाप। पुलिस के लोग आए और ढूंढे ढाढे देख कर लौट गए। अब पुलिस इंस्पेक्टर जब घर को गया और उसकी पत्नी ने पूछा कि चोर मिला कि नहीं, बोले नहीं मिला, किसी से कहना मत कि चोरी हुई है। तो पुलिस अफसर की पत्नी ने कहा, उसमें मेरे जेवर भी थे, मेरे गहने थे सोने चांदी के, वो भी चले गए, तो मेरा सामान मिला कि नहीं, बोले सामान भी नहीं मिला है। तो पत्नी रोने लगी। स्त्रियां रोती बहुत जल्दी है, सोती भी जल्दी है, रोती भी जल्दी है, और हंसती भी जल्दी है, और दूसरों को भी रुलाती जल्दी है। इनमें रोने और रुलाने की कला होती है, ये करुणा मूर्ति होती है, ममता मूर्ति होती है। तो इंस्पेक्टर की पत्नी रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि रात है, 2 बजे हैं, रोगी तो पड़ोसी लोग आएंगे तो जान जाएंगे, तो बेइज्जती बहुत हो गई कि इतने बड़े पुलिस के अफसर और चोरी हो गई, अपने घर को नहीं बचा सकते तो हमारा क्या बचाएंगे, थोड़ा शांति रखो, सोना चांदी गया तो गया पर इज्जत तो बचाओ। तो उस स्त्री ने कहा इज्जत जाए भाड़ में, वो भों भों करके रोने लगी। पड़ोसी भी जग गए क्योंकि पहली बार उनके घर में कोई 2 बजे रात को रो रहा था, तो रात में कोई रोए तो दूर तक सुनाई देता है, दिन में रो तो थोड़ा आवाज का। पर समझदार जो स्त्री होती है ना, ऐसे मौकों पर रोती नहीं है, गम खा लेती है। कहां रोने से और हानि हो सकती है तो वहां रोना भी नहीं चाहिए। याद रखना, थोड़ा सम्मान तो बचाओ, मर्यादा तो रखो, लेकिन इतना विवेक सबके पास होता नहीं है। कितने लोगों के पास तो बहुत नखरा है,
छोटी छोटी बात में दिन भर में दो तीन बार रो लेते हैं। और कितने लोगों ने रोने को तो अस्त्र बना लिया, जब रोते हैं तो उनके पतिवती सब डर जाते हैं कि अब रोना धोना शुरू है, बस जो कहती वही कर दो, बात खत्म हो, अब उल्टा पलटा करा रही हो, रो रही फालतू। मत रोना, चुप रहो, मुस्करा कर रहो, गम खाओ, विवेक से डिसीजन लो, जिद मत करो, हट मत करो। पतियों को भी हट नहीं करना चाहिए, जिद हट क्रोध ये मूर्ख के लक्षण होते हैं। अब इधर क्या हुआ, महात्मा जो रहता था उस आश्रम में, महात्मा को कुछ संदेह हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति आश्रम में आया है, पीछे से कूद के आया है। महात्मा धीरे धीरे चलते चलते बाउंड्री के पास आते आते उस चोर से मिला और चोर से बोला कि तुम कौन? तो उसने कहा, चुप रहो, दो घंटे बाद पूछ लेना, तुम कौन? तुम कौन? हम मौन। जाओ। तो महात्मा भी देशी मॉडल का था, उसने कहा बताओ हमारे आश्रम से निकलो, कहां घुस के बैठे? उसने कहा शांत रहो महात्मा जी, भगवान का भजन करते हो, तसल्ली बिल्कुल नहीं। तो महात्मा ने सोचा उल्टे हमको प्रवचन सुनाता है। चोर उठा और महात्मा की कुटिया में आया, उसने कहा मैं चोर हूं, झूठ बोलूंगा नहीं आश्रम में, चोर हूं और रात भर मुझे छिपना है, पुलिस पीछे लगी। महात्मा ने कहा चोर को मैं छिपने नहीं दूंगा, अन्यथा मेरा आश्रम बदनाम हो जाएगा। तो उसने कहा मैं जाऊंगा भी नहीं यहां से, और यदि छिपने नहीं दोगे तो पुलिस वालों से मैं कह दूंगा कि जितना चोरी करके लाया हूं इसी महात्मा के पास जमा किया, तो फंसोगे तुम ही। ऐसा भी लफड़ा है। तो महात्मा भी सोचा कि अब क्या करूं, तो महात्मा बोला कि अच्छा सुबह तो चले जाना फिर। बोले हाँ सुबह चला जाओ। धीरे धीरे महात्मा ने कहा फिर सो जाओ जब यही छिपना ही है। तो उसने कहा देखो रात में मैं सोता नहीं, 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं नहीं सोता, आप सो जाओ महात्मा जी। तो महात्मा ने कहा मैं सो जाऊं मेरे आश्रम में चोरी कर लोगे तो? बोले आपको विश्वास नहीं है, सबको विश्वास करना सिखाते हो कि भगवान पे विश्वास करो, अब आपको जब एक इंसान पर विश्वास नहीं है तो भगवान पे कैसे विश्वास आप करते होंगे, उसको तो कभी आपने देखा ही नहीं। तो महात्मा ने कहा ये प्रवचन मत सुनो, यहां से निकलो, मूर्ख कहीं का फालतू बात करता है। तो उसने कहा महात्मा जी आश्रम बदनाम हो जाएगा, फिर आप एक नाम ले लूंगा, चुप रहो। महात्मा बड़े संकट में असमंजस में पड़ा। महात्मा सोचा कोई आ गया और रंगे हाथ पकड़ गया तो क्या होगा, लोग कहेंगे महात्मा चोरों को पालते। कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आती है कि आप हर तरफ से फंस जाते हैं। तो उसने कहा महात्मा जी शांत रहो, रामायण में चौपाई लिखी है कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, तो आप परहित करो मेरा, मुझे बचाओ, नहीं पुलिस पकड़ लेगी। परोपकाराय शताम विभूतया, संस्कृत में भी बोला चोर, पढ़ा लिखा चोर था, ज्ञानी चोर, कि परोपकार करने के लिए संतों का शरीर होता है, तो इतना परोपकार नहीं कर सकते आप, हमको बचा नहीं सकते, आखिर पुलिस पकड़ लेगी, पिटाई करेगी, जेल में डालेगी, तो आप बचा लो हमें, परोपकार ही। महात्मा चुप हो गया और रात भर महात्मा भी जागता रहा डर के मारे कि हमारे यहां चोरी हो जाएगी। कभी कभी दूसरों के लफड़ों में रात भर जागना पड़ता। महात्मा जी सवेरे जब 5 बजे तो महात्मा ने कहा आप जाइए, उसने कहा थोड़ा ठहरो, शांति रखो, स्नान स्नान करेंगे, हम भी पूजा भगवान की करेंगे। अब 6-7 बजे सब भक्त लोग आने लगे मंदिर में दर्शन के लिए, तो महात्मा ने कहा आप जाओ। तो उसने कहा देखने दो क्या हो रहा मंदिर में आपके आश्रम में, देखा 8 बज गए। तो महात्मा ने कहा अब तो जाओ। बोले अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले हमने देख लिया चोरी करने में बहुत दुख है,
और पुजारी बनने में बहुत सुख है। यहाँ कोई फल लाता कोई मीठा लाता, बिना चोरी के सब मिलता है। हम अब लफड़े में फंसेंगे, अब हम यही पुजारी बनेंगे। महात्मा की संगत से, महात्मा के सानिध्य से वो चोर चोरी छोड़ देता है और वहाँ पुजारी बन जाता है। और आगे चल करके वो चोर उसी आश्रम का महंत बनता है और आश्रम में धर्म की रक्षा करता है। आदमी किसकी संगत में कितना बदल कर कितना महान बन सकता है, इस संगत का प्रभाव। इसलिए सत्संग सुना जाता है, इसलिए गुरु की संगत की जाती है। बहुत शांति आती है इससे। आपका जीवन मंगल में हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। रतन का जतन कर और इस मनुष्य जीवन को जतन पूर्वक जियो। इसके अंदर जो आत्म तत्व है उसके कल्याण का कार्य करो और शरीर के खान पान भोग विलास में जिंदगी मत गवाओ। ये शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। ये आत्म कल्याण के लिए मनुष्य जीवन मिला है, दूसरों का कल्याण करने के लिए मिला है। इस जीवन को गुरु की भक्ति करो, निगुरा मत रहो और अच्छे सच्चे गुरु को ढूंढो।